बहुव्रीहि समास जिस सामासिक पद के दोनों पद उत्तर पूर्व और उत्तर अप्रधान हो और जिसके शब्दार्थ नहीं वर्णों संकेतित तथा प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे लंबोदर लंबा है उदर जिसका, चंद्रशेखर नीलकंठ ठीक, चंदा है शेखर पर जिसका था शेर, नीला है कंठ जिसका शंकर आदि। बहुव्रीहि समास के तीन भेद होते हैं ठीक। अधिकरण जिसमें पूर्व पद विशेषण न हो जैसे चक्रपाणि। समाधिकरण जिसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो जैसे नीलकंठ। मध्य पद लोपी जिसमें मध्य पद लुप्त हो जैसे चार फुट। कर्मधारा और दीर्घ समास में अंतर, अब हमेशा ये होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर्मधारा समास कहाँ है और बहुव्रीहि समास कहाँ। चलिए इसके बारे में एक क्लियरेंस कर देते हैं। कर्मधारा समास की विशेषण यह है कि इसमें दोनों पदों में विशेषण विशेष संबंध होता है या उपमान उपमेय संबंध होता है और इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है, जबकि बहुव्रीहि समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष संबंध न होकर समस्त पद ही किसी अन्य संगति का विशेषण होता है। इसमें शब्दार्थ नहीं वर्णों भिन्नता प्रधान होता है। जैसे लंबोदर शब्द में यदि विग्रह हो ठीक, तो लंबा हो उदर जिसका तो कर्मधारय समास, और यदि लंबा हो उदर जिसका अर्थात गणेश विग्रह किया जाए तो बहुव्रीहि समास होगा। प्रयोग की दृष्टि से समास के भेद, प्रयोग की दृष्टि से समास के तीन भेद किए जा सकते हैं, संयोज मूलक समास, आश्रय मूलक समास और श्रवण मूलक समास ठीक। संज्ञा समास संयोग मूलक समास को द्वंद्व समास अथवा संज्ञा समास कहते हैं। इस प्रकार से समास में दोनों पद संज्ञा होते हैं, दूसरे शब्दों में इन्हें दो संज्ञाओं का संयोग होता है जैसे माँ बाप भाई बहन माँ बेटी सास पड़ता है दिन रात ठीक। इसमें सभी पद प्रधान होते हैं किंतु जहाँ योजक चिन्ह नहीं लगता वहाँ तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष में भी दो संज्ञाओं का संयोग होता है ठीक। जैसे पाठशाला गंगा जल राजपुत्र। विशेषण समास जहाँ आश्रय सूचक समास है यह प्रायः कर्मधारय समास होता है। इस समाज में प्रधान पद विशेष सरण होता है किंतु द्वितीय पद का बल अर्थ बलवान होता है। कर्मधारक का अर्थ है कि कर्म अथवा वृत्ति आधार करने वाले। यहाँ विशेषण विशेष विशेषता का पदों द्वारा संपन्न होता है। जैसे जहाँ पूर्व पद विशेषण हो कच्चा केला शीशमा, जहाँ उत्तर पद विशेष हो घन श्याम, जहाँ दोनों पद विशेष हो नील पीला खट्टा मीठा ठीक, जहाँ दोनों पद विशेष हो मौलवी साहब राज बहादुर। अव्यय समास पूर्व वर्णक समास के अंतर्गत बहुव्रीहि और अव्ययीभावी समास का निर्माण होता है। इस समास अव्ययी भाव में प्रथम पद साधारण अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा जैसे यथाशक्ति यथासंभव प्रतिशान यथासंभव घड़ी घड़ी प्रत्येक भरपेट यथाशीघ्र इत्यादि।